व्हाट्स अप गाइस, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। मेरा नाम है मनीष और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने चैनल द परफ्यूम लैब पे। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है टाइटन के एक और परफ्यूम पे जिसका नाम है रॉ। बहुत ही शानदार खुशबू है, एकदम डिसेंट लग्जरी फ्रेग्रेंस है। इसके बारे में रिव्यू करेंगे, जानेंगे इसकी खुशबू कैसी है, कैसी इसकी लॉन्जेबिलिटी है, क्या MRP है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा इसी वीडियो के अंदर। बस आप अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा मेरे वीडियोस को, शेयर करिएगा और कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो गाइस, जो बॉटल है वो कुछ इस तरीके से दिखती है, ट्रांसपेरेंट बॉटल है ये, 20 ml की बॉटल है। जैसा मैंने पहले भी बताया था पहले वीडियो में भी कि मुझे बस एक टेस्ट करना था क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली परफ्यूम है। ये इसका ढक्कन सिल्वर कलर का ढक्कन है, ठीक है। इसकी MRP की बात मैं आपको बता दूँ MRP कितना है इसका। देखिए, ऑनलाइन मैंने परचेस किया था, तो उसकी जो MRP है, इसकी MRP अराउंड 550 या 580 के आसपास है। मैं नीचे लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको चाहिए तो आप परचेस कर सकते हो। और अब बात करते हैं इसके नोट्स की। मैं आपको बताता हूँ कि इसके नोट्स कैसे कैसे हैं, कंपनी क्या क्लेम कर रही है और एक्चुअल में आप इंडिविजुअल को क्या फील होता है, ठीक है। इसकी फ्रेग्रेंस चेक कर लेते हैं, कैसी सी खुशबू है। स्टार्टिंग में जो खुशबू आई है वो हल्की सी सीट्रस की जो खुशबू होती है, वो हल्की सी, ज़्यादा नहीं, हल्की सी। बैगरमॉट का टच भी मुझे फील हो रहा है, बैगरमॉट के टच के साथ साथ लेवेंडर भी मुझे फील हो रहा है थोड़ा सा। उसके अलावा गुड़हल के फूल की जो खुशबू होती है वो भी मुझे हल्की सी इसमें महसूस हो रही है। सेडरवुड की ज़्यादा खुशबू है इसके अंदर, हल्के से फ्रूटी नोट्स भी मिक्स किए हुए हैं इसके अंदर। यूनिक खुशबू है इसके अंदर, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि नॉर्मल खुशबू है, अच्छी एक रिफ्रेशिंग खुशबू जिसे कहते हैं ना, उस टाइप में है। एक एक्वेटिक खुशबू जो होती है, अगर आपने कभी ऐसे परफ्यूम यूज़ किए होंगे, जिसमें एक्वेटिक खुशबू है, जैसे जो ओशंस होते हैं उसके जो नोट्स मिले होते हैं वैसी खुशबू है ये, उससे मिलती जुलती जो है इसके अंदर फ्रेग्रेंस है, ठीक है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कंपनी क्या क्लेम करती है, यहाँ पे मैं स्नैपशॉट दे दूँगा, आप उस पर देख सकते हो। जो टॉप नोट है वो बैगरमॉट का है, उसके साथ साथ हल्का सा मैंडरिन का भी टच है इसके अंदर। जो मिडिल नोट है वो लेवेंडर का है, जिसे वॉयलेट लीव यहाँ कह के बोला गया है। और जो बेसिक नोट है वो इंडोनेशियन पचौली की खुशबू है। अब पचौली खुशबू तो मुझे फील हो रही है, बट इंडोनेशियन पचौली मुझे समझ में नहीं आया, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो ये कॉम्बिनेशन है, बट जो मुझे फील हुआ, एक इंडिविजुअल को फील हुआ, वो मैंने आपको बता दिया। एक रिफ्रेशिंग खुशबू है, एक्वेटिक खुशबू है, अच्छी खुशबू है। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी लॉन्जेबिलिटी कितनी है, कैसे इसको यूज़ करना है। सबसे पहले बात, ये एक प्रोफेशनल खुशबू है, इसको मेरे हिसाब से जिम में मत यूज़ करिएगा, ऑफिस में यूज़ करिएगा, कॉलेज में यूज़ करिएगा, दिन में भी यूज़ कर सकते हैं, नाइट में भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रोफेशनल खुशबू है, अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए ये अच्छी खुशबू है, ठीक है, एक चीज़ ये। दूसरी बात ये है, इसको यूज़ करने के लिए ये स्ट्रॉन्ग खुशबू नहीं है, माइल्ड खुशबू भी नहीं है, मिडल जो होती है ना खुशबू वो है, स्ट्रॉन्ग भी नहीं है ज़्यादा माइल्ड भी नहीं है, ठीक ठाक खुशबू है। इसके कम से कम 5 स्प्रे करिएगा तब जाके एक अच्छा ऑरा क्रिएट हो पाएगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ स्प्रे करना है, एक तो पीछे गर्दन के, दो यहाँ पे और दो यहाँ पे। इसमें वेरिएशन आप कर सकते हो, आगे पीछे यहाँ पे ना करना चाहो तो यहाँ पे कर लो, अगर आप हाफ शर्ट पहनते हो या मतलब हाफ शर्ट पहनते हो तो यहाँ पे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ भी पल्स पॉइंट है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट बॉडी पे इसको स्प्रे मत कीजिएगा, कपड़ों पे कीजिएगा, वो भी दूर से कीजिएगा। अच्छी खुशबू है ये, डेफ़िनेटली आपको इसको ख़रीदना चाहिए, क्योंकि ये एक तो स्किन टाइटन का ब्रांड है, ठीक है, तो छोटा मोटा ब्रांड है ही नहीं। सेकंड थिंग है, ये काफ़ी कॉस्टली भी है। और तीसरी बात ये है, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी खुशबू है, रिफ्रेशिंग, माइंड को रिफ़्रेश करने वाली खुशबू है। ये जो परफ्यूम है ये इस तरीके से बनाया गया है कि एक सिंपल खुशबू ना रहे। मेरा कहने का मतलब ये है, जब आपके आसपास से इस परफ्यूम को लगाए कोई गुजरे तो ऐसा ना लगे कि किसी ने एक
छोटा मोटा सस्ता चीप परफ्यूम लगाया, नहीं, सस्ता फ्रेगनेंस तो है लेकिन चीप नहीं है, अच्छी क्वालिटी है, बेहतरीन खुशबू है। तो इसमें तो फिलहाल इतना ही है बताने के लिए, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं। मैंने आपको सारी डिटेल दे दी है, इसकी MRP, इसके नोट्स, क्या फ्रेगनेंस है, क्या लॉन्जिबिलिटी, सब आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। नहीं भी समझ में आया है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर मुझसे पूछिएगा, कुछ भी डाउट है तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और बस यही था इस वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।